इस वेले असीं पुज्जे हाँ मिनी गोवा विच जिथे सैलानियों के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। तुम दस दिए कि सैलानियों के खिच के लिए इत्थे जिहड़ा माउंटेन बाइक्स उसका इंतजाम किया गया है, हॉर्स राइडिंग का इंतजाम किया गया है, हॉट बैलून का इंतजाम किया गया है, इस दे नाल नाल रोपवे और स्पीड बोट का भी इंतजाम किया गया है ता जो सैलानी इस थां ते आके एक वधिया अनुभव महसूस कर सकन। साडे वल्लों सारियां जिहड़ियां हैगियां आई एस नॉर्म्स बोटां वरतियां जांदियां ने जो बिल्कुल सेफ हुंदियां, गवर्नमेंट अप्रूवड हुंदियां। साडे कोल तीन तरह दियां बोट्स ने, स्पीड, हाई स्पीड ते यॉच। जिहड़ी स्पीड बोट है वो जिहड़ी नॉर्मल स्पीड नाल चलदी है जिस ते आपां इस वक्त जा रहे हैं। एक साढ़े कोल है हाई स्पीड जिस तरह गोवा च चलदियां बोट जिहड़ी अगो चको के चलती है वो फुल स्पीड चलती है, वो हाई स्पीड है। तो एक साढ़े कोल हैगी यॉच जिहड़ी है प्राइवेटली जिहड़े पसंद करते हैं जाना उन्हां लई। असीं देखते हैं कि जिहड़ियां इत्थे बोट्स हैगियां ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿ ਖਾਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਾਂ ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਰੀਗਲ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੋਲਵੋ ਦੇ ਇੰਜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਪੈਂਟਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੌਰਥ 'ਚ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਬੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਇੱਥੇ ਭੱਜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਿਨੀ ਗੋਆ? ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਨੌਰਥ 'ਚ ਗਈਏ। ਸੇਫਟੀ ਵਜੋਂ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਫੀਚਰਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫਲੀ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੇਟ 'ਤੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਪਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਪਲ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੋਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬੋਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੋਆ ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਪਲਸ। मिनी गोवा में आके ये है कि एक तरह से डिफरेंट प्लेस है पूरे पंजाब की ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली भी। यहाँ आके फैमिलीज अपना टाइम स्पेंड अच्छा से कर सकती हैं। यहाँ पर ग्रेट लेक व्यू है, एक ओपन एरिया है जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी अच्छा सा माहौल बन गया है। ये जगह टूरिज्म के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे व्यूज़ है, एस्थेटिकली बहुत सुंदर है, लेक है और हमारे पंजाब के लिए सबसे अच्छे टूरिज्म के लिए है। यहाँ पे एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है, जैसे बोटिंग पॉइंट है, यहाँ पे खाने के लिए अच्छे अच्छे स्टॉल्स हैं, सब कुछ है, बस एक्सप्लोर करने के लिए सबसे अच्छी जगह है ये। बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज से 10 साल पहले जब हम स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में हमने यहाँ पे आए थे तब कोई नहीं आता था यहाँ पे, पर अब जब ये जगह लोगों ने एक्सप्लोर करनी शुरू की है तो यहाँ पे हमारा इकोनॉमिकल वे में भी हमारा बहुत ही अच्छा पठानकोट या पंजाब का राइज होगा। देखो ये जो चमरोड पतन का एरिया है जो मिनी गोवा के नाम से जाना जाता है, तो इत्थे यदि तुसी देखोगे और तुसी जाके भी आए हो नीचे तो इत्थे हर टाइप की एक्टिविटीज़ हैं जो कि फैमिली मेंबर्स के लिए भी हैं, यंगस्टर्स के लिए भी हैं, तो एवरी फीमेल्स के लिए भी, एवरी एज ग्रुप को हम टारगेट कर रहे हैं और सब के लिए यहाँ पर कुछ न कुछ है एक्टिविटी देने के लिए। यदि तुसी इसी एरिया का लैंडस्केप देखोगे तो यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड है, वाटर बॉडीज़ हैं, देन आपकी धौलाधार पीर पंजाल रेंज है सामने, तो एक अपने आप में एक बहुत यूनिक लैंडस्केप है जो कि काफ़ी कम जगह पे मिलता है। तो इस जगह को प्रमोट करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दूसरे को कि हमारे पास जो आर्ट हैं ऑल वेदर हट्स हैं यहाँ पे, तो इसकी जो लोकी हैं वो गोआई वीवो है मेक माई ट्रिप के थ्रू बुकिंग करा सकते हैं, ऑफलाइन भी बुकिंग करा सकते हैं। साड़ा फ़ोन नंबर है वो हर जगह पर शेयर किया हुआ है, जितने भी हमारे होर्डिंग एडवर्टाइजमेंट है सब जगह पे। इस तो अलावा यदि तुम यूट्यूब देखोगे, इंस्टाग्राम देखोगे कि तो कितने भी धारकला या मिनी गोवा के नाम पे सर्च करोगे तो यहाँ पे काफ़ी पेज हैं जिसके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, तो इतों भी उससे भी लोग की जानकारी ले सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। जो तो मैं दसना चाहता कि इतने फूड वैन्स अवेलेबल हैं हर टाइप के, जो भी फास्ट फूड या फिर और भी जिस टाइप ATV बाइक्स हैं, ठीक है। उस तो अलावा हॉर्स राइडिंग है, बुल राइडिंग है, देन उसके बाद में जो सबसे अट्रैक्शन यहाँ पे है बोटिंग है, हाई स्पीड बोटिंग है यहाँ पे, और इसके अलावा जो हमारी हट्स हैं यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बने हुआ है जिथे यदि स्कूल के बच्चे आते हैं या फिर और भी कोई इंटरेस्टेड बंदा आता है तो वो एनवायरनमेंट के बारे में जान सकता है। इस तो अलावा जो इस आसपास का एरिया है वहाँ पे हमने काफ़ी सारे नेचर ट्रेल भी बनाए हुए हैं जो कि हर टाइप के 2 किलोमीटर के, 4 किलोमीटर के, 6 किलोमीटर के, तो जो लोग कि जैसे मान लो कि कोई इंटरेस्टेड हो बर्ड वॉचिंग में, इस तो अलावा फ्लोरा फोना एक्सप्लोर करनी हो लोकल एरिया की तो वो भी उसका आनंद ले सकते हैं। तो ये जो एरिया है इसकी जो एक इनिशियल जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इस एरिया का हो चुका है,
ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਸਟ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਟ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਸਕੀ ਜੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਇੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਡੈਲੋਜੀ ਰੋਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਡਲੀ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਨੀ ਗੋਆ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਟਾਈਪ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਸੇ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸਕਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ।